हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। स्टडी फंडा की तरफ से हमने CDS 1 एंड सी एंड FCAT 1 के एस्पिरेंट्स के लिए फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में हम आपके साथ CDS और FCAT के सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दो डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने फिजिक्स के दो लेक्चर्स ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देखें। ये लेक्चर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, जो कि आप हमारे स्टडी फंडा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है वो जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या होती है और ये कैसे डिफरेंट होती है रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट होती है। फिर रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज, सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टर्स जो होते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सम टोटल कितना रेजिस्टेंस आता है जब कोई भी सर्किट सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो वो जानेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस कैसे करता है और उस हीट का क्या क्या वो हीट क्या करता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लास्ट तक देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स व्हिच अलाउज करंट थ्रू इट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जो अलाउ करता है करंट को टू पास थ्रू इट, जो करंट को अलाउ करता है अपने अंदर से पास होने के लिए। ठीक है, समझ आया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल एक वो पाथवे है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अगर ये कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट है, और अगर इसमें कोई बीच में ब्रेकेज है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और इलेक्ट्रिक सर्किट आपका इनकम्प्लीट है। समझ आया, बस इतना। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। अब देखो, एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता। देखो, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, वो यहां से नेगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा,
है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन हम जो करंट लेते हैं वो लेते हैं इसके अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को मेजर करते हैं, हम करंट मापते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो, इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, देखो कहीं से भी करंट फ्लो हो रहा है तो आपने तो देखा होगा ना, किसी भी किसी भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा या इसमें से, या ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है आपने पढ़ा है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इसमें डायरेक्शन होती है, एक ये डायरेक्शन है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके गॉट इट, बट स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये देखो, ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप में से कई बच्चे होंगे जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, गॉट इट? चलो अगला टॉपिक है एमिटर एंड वोल्टमीटर। एमिटर क्या होता है? एमिटर होता है, एन एमिटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एमिटर जो है होता है इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ये एम्पियर में हम मेजर करते हैं। वही वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ओके, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ये सीरीज और पैरेलल क्या है ना ये अभी याद कर लो, आगे जब वीडियो का हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के बता ही देता हूँ। देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, यहाँ आपका बल्ब जल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपका एक एमीटर लगा दूँ तो ये एमीटर सीरीज में हुआ, और यहीं से एक एक्स्ट्रा वायर ऐड करके इसको ऐसे कर दूं तब ये पैरेलल में तब ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, इस वे से कनेक्ट होगा, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ये डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे जैसे वोल्ट मीटर का भी मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो एट इंफिनिटी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये एक वर्क डन होता है, सपोज करो कि ये आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां से अगर मैं एक इंफिनिटी से कोई भी चार्ज को उठा के यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए में कितना वर्क डन किया, मैंने कितना वर्क डन किया, दैट डिफाइंस माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में मैंने कितना वर्क डन किया। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी
टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रिक दो पॉइंट के बीच का। मेरे पास एक चार्ज है, इसको मैंने उठा के यहाँ से यहाँ लाया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, तो दोनों में मैंने कितना, मतलब ये इन दोनों के बीच में कितना वर्क हुआ, इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल है, दैट विल गिव्स यू अ पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके okay? अब अगला है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है, देखो ये इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना बट मैं आपको बता देता हूं। ओम्स लॉ कहता है इन एन आइडियल कंडीशन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड टू मेक इट इक्वल हम एक आर नाम का वेरिएबल ऐड कर कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, दिस आर इज योर रेजिस्टेंस। सो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है योर वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसे आप याद रखना। यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक आर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो तो उसे अगर हटाना हो तो एक कांस्टेंट वेरिएबल को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है अपने इक्वेशन। ओके, अगला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है कि कहीं से अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में रुकावट डालना। ठीक है, उस फ्लो में रुकावट डालना। अच्छा, एक पानी का एग्जाम्पल लेके समझो, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली फ्लो हो रहा है। ओके, इस पाइप के आगे मैंने पत्थर लगा दिया, तो पानी को ऐसे ऐसे दिक्कत होगी फ्लो होने में, जिस स्पीड से हो रहा था उस स्पीड से नहीं होगा, तो दिस इज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एन कंडक्टर। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है किसी कंडक्टर में। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी। यहां से इस फॉर्मूले देखो, लास्ट फॉर्मूले से मेरा ये आ गया था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहां से मेरा दो इक्वेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ रहे हैं। सो ये बताता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी आर। अब रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, इसे भी याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हर साल आते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें रो क्या है? रो है आपका रेजिस्टिविटी, जो हम आगे पढ़ेंगे। एल लेंथ ऑफ अ वायर एंड ए एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। ठीक है, अगर मान लो आपको वोल्टेज और आई के टर्म्स में नहीं गिवन है और आपसे रेजिस्टेंस निकाल रहा है और आपको लेंथ एरिया और रेजिस्टिविटी गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस निकालोगे। समझे, यही है रेजिस्टेंस। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आप लोगों को पता ही है, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर क्या क्या हुआ? कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, और इंसुलेटर्स क्या क्या है? ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब है। रेजिस्टिविटी, अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर अ एरिया क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी, एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट है, रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन अपॉन द मटेरियल।
रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है? मैं आपको कहूँ देखो, और रेजिस्टिविटी रो से डिनोट होती है, उसका सिंबल ये होता है जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना, रो एल अपॉन ए, सो इट इज योर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर अ यूनिट फॉर अ एरिया ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे एक मटेरियल है, ठीक है, उसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है? दूसरा सेम मटेरियल, इसका लेंथ है एल, एरिया है ए बाई टू, बताओ इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे, सर रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों? बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी इज यूनिक फॉर अ मटेरियल, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की, चाहे उसकी जो भी जितना भी उसका एरिया क्रॉस सेक्शन या लेंथ हो, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एक मटेरियल इतना सा है और एक इतना सा है, अगर दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है? समझ आया? अगर नहीं आया तो प्लीज प्लीज बच्चों, प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछो, ठीक है? तभी मैं बता पाऊंगा। आगे, रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज। अच्छा, अब रेजिस्टर्स अगर आपके, सबसे पहले सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ टोटल रेजिस्टर्स हो जाएगा, आर वन आर टू आर थ्री टिल आर एन। और वहीं अगर रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे जो आर टोटल होगा, वन अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, रेसिप्रोकल हो जाएगा सबका, ठीक है? वन अपॉन आर फोर टिल वन अपॉन आर एन, ठीक है? अब यहां से आप रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो वन अपॉन आर टोटल की कुछ वैल्यू आ गई, सपोज करो वन अपॉन आर एक्स, तो आर टोटल विल बी आर एक्स, बट ये निकलेगा कैसे, इस तरीके से। तो अगर आपको एग्जाम में कल को दे कि बच्चों की एक सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस, मैं एक एग्जाम्पल देके ही आपको समझाता हूँ, ठीक है? ताकि आप गलती करने का कोई स्कोप ना बचे आप लोगों से, ठीक है? अच्छा, आप बताते नहीं हो आपको वीडियो कैसी लगती है, आप लोग देख लेते हो, आप बताया भी करो ना कमेंट करके कि सर वीडियो अच्छी है, या सर आप, अगर आप लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या मुझसे कुछ और डिमांड है तो आप वो भी मुझसे पूछे ना, क्योंकि ये दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना? ताकि मुझे भी तो लगे कि अच्छा बच्चों को ऐसा पढ़ने में ज्यादा समझ आ रहा है या ऐसे में ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, तब 1 ओम है, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, आप लोगों के आसानी के लिए मैं इसके नंबर भी इसमें डाल देता हूं, ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? ये इसके नंबर हैं। अब बताओ मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर ए बी सी डी ये सब सीरीज में है क्योंकि ये सेम लाइन में कनेक्टेड है, तो ए प्लस, तो जैसे आपने हमें पढ़ाया है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 4 ओम, ठीक है? वहीं सर ई और एफ भी सीरीज में है तो ई और एफ हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ओम, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 4 ओम,
जो हो जाएगा सर 4 ओम, 2 + 1 दैट इज 3/4 ओम, और जो कि फाइनल आपका जो आर टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 4/3 ओम, है ना। ये रेसिप्रोकल में है, मैंने बताया था ये इंटरचेंज हो जाता है, तो सर आर टोटल आपका इतना हो जाएगा। समझ आया कैसे किया मैंने? नहीं आया तो प्लीज वीडियो रिपीट करके देखें, आपको समझ आएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक अपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो थोड़े टाइम बाद आप उसमें ऑब्जर्व करते हो कि वो गर्म हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस हीट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ी देर तक अपना क्या कहते हैं, आप अपना फोन चार्ज पे लगा दो, ठीक है, कंटिन्यू चार्ज पे लगा दो, या फोन छोड़ो, आप जो ये केटल है इसको जब आप गर्म होने के लिए लगाते हो, जस्ट वेट, जस्ट हाँ, ये जो केटल को आप गर्म पानी गर्म होने के लिए लगाते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कुछ समय बाद कि ये गर्म हो जाता है। चलो ये केटल का एग्जांपल नहीं देते, केटल तो गर्म होता है, कुछ भी ले लो, लैपटॉप, लैपटॉप आप बहुत देर तक यूज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे वो गर्म हो जाता है। क्यों? फोन काफी देर तक कंटिन्यू आप यूज करो वो गर्म हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसमें से कंटिन्यू करंट पास हो रहा है और करंट पास होने से वो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और इस वजह से वो गर्म हो जाता है। अब जब ये और ये अच्छा ठीक है, अब ये गर्म क्यों होता है? देखो, चाहे कितना अच्छा भी कंडक्टर क्यों ना हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जब कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन पास होंगे उस रेजिस्टेंस से फाइट कर करके, तो एनर्जी वेस्ट होती है ना। ये इलेक्ट्रॉन को सपोज करो यहाँ से पास होना है, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर में, इससे इसने फाइट की, आगे बढ़ा, फाइट की आगे बढ़ा, थोड़ी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई, कंटिन्यू जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी वेस्ट होती गई। अब होता है ऐसा है कि मैंने आपको वो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो फाइट करने में ये वेस्ट कर देता है, ये कैसे क्या कन्वर्ट हो जाती है, ये हीट फॉर्म अपना लेती है, ये हीट में चेंज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन दी थ्री फैक्टर, ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, हायर द रेजिस्टेंस मोर द हीट, ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को फाइट करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगा, है ना। टाइम फॉर विच करेंट फ्लोज, जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जितनी देर तक आप फोन यूज करोगे लैपटॉप यूज करोगे उतना ज्यादा गर्म होगा। अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट जनरेट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है उसे फाइट करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस रेट पे काम हुआ है या किस रेट पे एनर्जी ट्रांसफर हुई है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है, पावर की वॉट ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। अब आप इसे अलग अलग उसमें चेंज भी कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है पी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अब आप मेरे को इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, अब आप मुझे तीनों फॉर्मूले कमेंट्स में लिख के बताओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं देखूंगा और जिसने लिखा होगा
उसके कमेंट पे मैं हार्ट रिएक्ट करूंगा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पावर समझ आया? इट इज अ रेट एट विच वर्क इज डन, किस रेट पे काम हुआ है। ये नॉर्मल पावर की तरह ही है बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर, ये जो पावर मैंने आपको पढ़ाया था कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसमें क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन, किस रेट पे आपका वर्क डन हुआ या एनर्जी ट्रांसफर हुई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसे हम पावर कहते हैं, ठीक है? ये वही है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अपना मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रीजन एक मैग्नेट के अराउंड का, वो रीजन जहां पे हमें मैग्नेटिज्म का इफेक्ट फील हो, उस रीजन को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे एक रीजन जहां पे मेरे को मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो, ठीक है, उस रीजन को मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही होता है, उसका डेफिनेशन आप पढ़ लेना, समझना है तो मुझसे पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें होता ये है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर मैंने काफी सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स के वायर लपेटी है, और इसको में आपका क्या कहते हैं, बिजली, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो सिस्टम था जो मैंने बनाया था, जिसमें एन, ये एक एक उस पे क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो मैंने इसमें काफी सारा ये जो वायर लपेटा है, अब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ये चीज है, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है कॉइल्स ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑन इंसुलेट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर जो इंसुलेटेड होता है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में, जब मैं काफी सारे ऐसे टर्न्स करूंगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो ये जो बना मेरा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सो दिस थिंग इज नोन एज सोलेनॉइड। आई होप आपको समझ आया होगा कि सोलेनॉइड क्या है। ओके, आगे अगला है बच्चों हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में होता ऐसा है कि आप अपना लेफ्ट हैंड रूल लो, ठीक है? उसमें तीनों उंगलियां 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं 2 मिनट रुको, मैंने, हाँ ये डायग्राम है, ये तो ऑल दो राइट हैंड रूल का, लेकिन ये डायग्राम वही है। ये देखो, 90, तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं एक दूसरे से। तो जब हम तीनों को अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे पॉइंट करते हैं, एक ऐसा ऐसा हम चीज बनाते हैं, तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये होता क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, इसमें थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, तीन उंगलियां इन्वॉल्व होती है। थंब आपका क्या सिग्निफाई करता है? थंब सिग्निफाई करता है फोर्स। मिडिल फिंगर आपका क्या सिग्निफाई करती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या सिग्निफाई करता है आपका मिडिल फिंगर? ये सिग्निफाई करता है करंट। तो ये आपका ये फोर्स, या फिर आप इसे वो भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, मोशन। इसके ऊपर जब आप हमारे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि स्टडी फंडा के मेन चैनल पे मैंने बनाया है, वो स्पेसिफिकली CDS 2 2022
2022 के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बनाया था। लास्ट 5 ईयर्स के CDS के पेपर को पूरा एनालाइज किया था, ठीक है, साइंस के पेपर को, और बताया था कि ये क्वेश्चन आया है, ये कैसे आया है, इस उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आप वो वीडियोस जरूर जाके देखें, ठीक है। तो अब ये एक एक शेप फॉर्म हुआ जिसमें ये अलग अलग फिंगर्स आपके अलग अलग चीजें डिनोट करती हैं। अब होता ये है कि मैं इसका आपको डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको शायद और अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, इसका ये काम करना थोड़ा। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका क्यों आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका आया इसलिए था, हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका इसलिए आया था क्योंकि व्हेन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, मैं इसका जो डेफिनेशन है मैं वो बताता हूँ आपको। जब किसी कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द करेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ये जब हम मोटर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। किसी भी कंडक्टर पे अगर फोर्स लग रहा है ड्यू टू डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो कैसे फोर्स लगेगा, वो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो, मैं इसका फंक्शनिंग तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता ही है, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है आपका, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो डायरेक्शन आपको पता चलेगा थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चलेगा कि इस कंडक्टर में वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, समझे? आप इसको अपना लेफ्ट हैंड जो जो मैंने आपको बताया था कि जो फिंगर जिस चीज को सिग्निफाई कर रही है उस वे में आप अपना हाथ रख के चेक करना, आपको समझ आ जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगला है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि देखो, इसमें राइट हैंड में कौन कौन सी चीज क्या क्या सिग्निफाई कर रही है ये याद रखो। सबसे पहले आपका थंब सिग्निफाई कर रहा है मोशन, आपका इंडेक्स फिंगर सिग्निफाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर फिंगर सिग्निफाई कर रहा है करंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि व्हेन देखो इन द इंड्यूस करंट फाउंड इन द कंडक्टर, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट हम प्रोड्यूस करेंगे तो मोशन प्रोड्यूस होगा। वो मोशन जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट किसी हम सिस्टम में प्रोवाइड करेंगे तो एक मोशन प्रोड्यूस होगा। वो मोशन, ठीक है, वो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है आपका बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसका आप डेफिनेशन पढ़ लेना, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली इन दोनों का डिफरेंस ढूंढ के यहाँ पे डाला है। लेफ्ट हैंड रूल यूज फॉर मोटर्स, राइट हैंड रूल यूज फॉर जनरेटर। पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जब
फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है किसी कंडक्टर पे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो आपका लेफ्ट हैंड रूल बताता है। राइट हैंड रूल क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी क्या डायरेक्शन है इन प्रेज एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वो इंड्यूस करंट जो हुआ है जब हम किसी भी कंडक्टर में मोशन देंगे। देखो क्या होता है इसमें, इसमें होता है कि अगर मैं किसी कंडक्टर में को मोशन में उस उसको मोशन में दूं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये करंट था नहीं, ये करंट हमने प्रोड्यूस किया है। कैसे? हमने अपने कंडक्टर को मोशन में लाया है और एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मोशन में लाया और उसे मूव किया है, तो उससे करंट प्रोड्यूस हुआ है, उस करंट को कहते हैं हम इंड्यूस करंट। ठीक है, ये इसका बाकी डिफरेंस है, ये पढ़ लें। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे और जो कि इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री डैश इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे। किरचॉफ्स लॉ बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये अब आपके एग्जाम्स में पूछता नहीं है, लेकिन पहले जब आप 2019 के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले वाले एग्जाम्स देखोगे ना, उसमें 11th 12th की साइंस ज्यादा पूछी जाती थी। थिन वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। सेकेंड थिंग याद रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भी प्रेजेंट होती है, आर्गन गैस भी प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट क्यों होती है बच्चों? ये प्रेजेंट इसलिए होती है आर्गन गैस, ताकि ये इसलिए प्रेजेंट होती है बच्चों क्योंकि टंगस्टन करोड ना कर जाए, टंगस्टन में जंग ना लग जाए, इस वजह से हम उसमें आर्गन गैस को प्रेजेंट कर उस आर्गन गैस को किसी भी बल्ब के अंदर रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो हमारा टंगस्टन करोड हो जाएगा और हमारा बल्ब जल्दी खराब। इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विद पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ठीक है, डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट यूज इन ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डायनेमो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपके एसी करंट यूज नहीं होते, यहाँ पे डीसी करंट का यूज किया जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ठीक है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों, आज का लेक्चर में इतना ही, हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा। अब बच्चों मेरी अब बात ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो हम हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उधर आपको मैसेज नहीं करना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, अगला वीडियो बनाने से पहले मैं आपका डाउट लूंगा और डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं जो भी वीडियो आप लोग आपके डाउट्स के लिए बनाऊंगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि बच्चों इस वीडियो को देख लेना, मैंने आपके डाउट सारे डिस्कस किए। तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे अपने डाउट पूछो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उन सब का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं देखूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।